जी, परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में आप सभी दर्शकों को, सभी बीएनबी साथियों को एवं समस्त जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्यार, ढेर सारा प्यार। जी बता दें कि परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में आगामी महाशिवरात्रि पावन पर्व को लेकर जहां एक और महाशूर संग्राम प्रतियोगिता का व्यापक तैयारी की जा रही है, ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्र के प्रतिभावान कलाकारों को एक नया मौका देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सप्तम सुंदर पाठ का आयोजन आगामी 20 फरवरी को, शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले आगामी 20 फरवरी को सप्तम सुंदर पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो पंडित उदित नारायण शास्त्री के द्वारा यह कार्यक्रम होना तय हुआ है। आज हमारे बीच उदित नारायण शास्त्री जी पधारे हुए हैं और इन्होंने कार्यक्रम की घोषणा भी की है कि आगामी 20 फरवरी को परम अलौकिक जगन्नाथ धाम के यज्ञशाला स्थित हवन कुंड के सम्मुख सप्तम सुंदर पाठ का आयोजन किया जाएगा। आइए हम आज इन्हीं से मिलते हैं और मिलवाते हैं आप सबको कि आखिर यह सप्तम सुंदर कांड है, आखिर यह सुंदर कांड जो रामायण के बीच में जो सुंदर कांड है, इस सुंदर कांड का तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, लोग क्यों सुनना चाहते हैं, लोग क्यों इसकी लाभ के लिए हमेशा कहते हैं, क्यों लोग हमेशा इसकी तारीफ करते हैं, क्यों लोग अध्यात्म के संबंधित जितने भी संत लोग हैं इनकी हमेशा गुणगान और बखान करते हैं। आइए आज हम जानते हैं पंडित उदित नारायण शास्त्री जी से कि आखिर यह जो सप्तम सुंदर पाठ का जो आयोजन होने जा रहा है परम अलौकिक जगन्नाथ धाम में, यह सुंदर कांड की विशेषताएं और लाभ जनता को, लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा बता दें, इसके लिए जगन्नाथ धाम आभारी रहेगा। जी शास्त्री जी बताएंगे कि यह सुंदर कांड जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका लाभ और लोगों को क्या लाभ मिलेगा, आखिर क्यों किया जाता है, इसका क्या है, इस बारे में थोड़ा सा आप विशेष प्रकाश डालें। सुंदर कांड रामायण जो है सात कांड के अंतर्गत में आता है, जिसमें विशेष रूप से इसका लाभ है लोगों के ऊपर में। आज हमारे समाज में सभी वर्ग के लोग जल रहे हैं, अपने ताप से बताया गया है कि दैविक, दैहिक और भौतिक तीन प्रकार का ताप है और इससे मुक्ति दिलाती है ये सुंदरकांड विशेष।